टू हिमाचल वाले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश टास्क सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई सम ऑफ द जॉब रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले हम पोस्ट कोड 893 से लेकर पोस्ट कोड 901 के ऊपर भी वीडियोस बना चुके हैं जो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो निकाली गई है हिमाचल प्रदेश टास्क सिलेक्शन कमीशन द्वारा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी और जिसका पोस्ट कोड है वो है 902। फ्रेंड्स, साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी जिसका पोस्ट कोड है 899 जो निकाली गई है फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज के द्वारा और HPSSC के थ्रू भी ये होगी और पर जो रिक्रूटमेंट होगी वो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज में होगी। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन की जो पब्लिश डेट है फ्रेंड्स वो है 10th of April 2021। एंड फ्रेंड्स, इसमें जो स्टार्टिंग में जो लास्ट डेट टू अप्लाई थी वो थी 9th of May 2021। सो फ्रेंड्स, इस डेट को अब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब आप 20th of May 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसकी एसेंशियल एलिजिबिलिटी के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसमें जो स्टार्टिंग में जो पे स्केल दिया जाएगा वो जिसमें पहले पे स्केल की बात कर रहे थे, इसमें जो पे स्केल फ्रेंड्स जो होगा वो होगा 10,300 से लेकर 34,800 तक, प्लस इसमें जो ग्रेड पे होगी वो होगी 3800 रुपये। सो फ्रेंड्स, इसमें जो स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट दिया जाएगा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होता है 3 साल का आई थिंक, उसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट होगा वो 14,100 रुपये दिया जाएगा और उसके बाद बढ़ता भी रहेगा हर साल, पर रेगुलर होने के बाद आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 10,300 से लेकर 34,800 तक प्लस 3800 ग्रेड पे। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मांगा गया है रिक्वायरमेंट जो है वो है फ्रेंड्स सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन फॉरेंसिक सर्विसेज फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करी होनी चाहिए इन फॉरेंसिक साइंस या फिर बैचलर डिग्री करी होनी चाहिए इन फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से फॉरेंसिक साइंस में बैचलर या मास्टर डिग्री करी होनी चाहिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि 2 ईयर्स का एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज लैब इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, इसमें साथ ही साथ लिखा गया है बैचलर डिग्री और या मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए, साथ में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी लैब में रिकॉग्नाइज्ड लैब इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें ये भी लिखा गया है फ्रेंड्स की वही बात है फ्रेंड्स इसमें लिखी हुई कि यदि किसी व्यक्ति विशेष ने 10th and +2 हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड किसी स्कूल में की हुई है, यदि वो व्यक्ति की कहीं दूसरी स्टेट का विषय भी बिलोंग करता है, यदि उसने 10th and +2 हिमाचल प्रदेश से की है तो ये वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये लिखा है इसमें यदि कोई व्यक्ति विशेष ने हिमाचल प्रदेश से बाहर किसी स्टेट से अपनी एजुकेशन 10th and +2 करी हुई है और वो हिमाचल का रेजिडेंट है, उसके पास हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, तो फ्रेंड्स वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है फ्रेंड्स ओनली 1 वैकेंसी है, और फ्रेंड्स वो भी जो वैकेंसी है वो है SC ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए और जिसमें जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 साल से 50 साल तक। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हिमाचल प्रदेश टास्क सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट HPSSC की द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में, साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज द्वारा निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसके लिए एलिजिबल तो फ्रेंड्स प्लीज़ 20th of May 2021 से पहले अप्लाई कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को, बिकॉज हम आपके लिए ऐसे ही जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड वीडियोज़ फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।